एंड दे आर द दीज आर दिनर्स यानी कि जब भी ईमान वाले अल्लाह की तरफ इनवाइट किए जाते हैं तो वो क्या करते वो जो उसको ओबे करते उन्होंने यही बोलते कि हमने सुना और हमने ओबे किया दो यू ओबे गॉड एंड इज़ मैसेंजर एंड रेवरेंस गॉड एंड ऑब्जर्व हिम दीज आर द टीम वन यानी कि वही जीतने वाले हैं जो अल्लाह और उसके मैसेंजर को ओबे करते हैं और अल्लाह को रेवरेंस करते यानी अल्लाह की इबादत करते है एंड ऑब्जर्व अल्लाह को और उसको ऑब्जर्व करते हैं। यानी ओबे करने का मतलब क्या है कि जब मैसेंजर आए थे तो इसके ऊपर कुरान नाजिल हुआ था अल्लाह ने ठीक है तो वहाँ पे कोई कुरान ऐसे आसमान से कोई किताब आके नहीं आई थी जो बोलते जाते थे पैगम्बर उसको वही आती थी तो वो उसकी तरफ से जैसे वो अपना कुछ भी कोई रूल आता अल्लाह का तो वही करके ऐसे बोलते थे प्रॉफेट मोहम्मद तो अल्लाह ने इसके लिए क्या कहा है कि अल्लाह ने उसको कहा है कि जो वो बोलते हैं वो अल्लाह की तरफ से कुरान जो नाज़िर होता है तो तुम उसको ओबे करो और उसको फॉलो करो कुरान तो, तो कोई ऐसे ही थोड़ी अल्लाह वरना अल्लाह कहते ना कि तुम अल्लाह और उसकी जो किताब अल्लाह को पैगम्बर को दिए उसको नाज़िल करो वरना ऐसे नहीं कहते कि के इन इज मैसेंजर ओबे द गॉड इन इज मैसेंजर में आया तो ये किसके लिए लोग जो ट्रेडिशनल मुस्लिम ये वर्ड्स को कैसे कहते हैं कि अल्लाह ने ये कहा है कि हमें ओबे मैसेंजर करना है नहीं जो वो करते थे ना सेम टू सेम वही करना है हमें ऐसा नहीं है उन्होंने वो जो कहा है वो कुरान में जो अल्लाह ने नाजिल की थी वर्स, उसके बारे में ओबे करने को अल्लाह ने कहा नाजिल हुई थी वर्स, उसको ओबे करने के लिए कहा है और ये लोगों ने उसको शिर्क बना के अपनी तरफ से घर लिया है हालांकि वो उसके 200 साल के बाद लिखा हुआ है जो जो अपने हिसाब से वो लोग सोचते थे कि ऐसा प्रॉफिट करते थे ऐसा करते थे ऐसा करके ऐसा से लिखने लगे और वो भी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए और एडवांटेज के लिए तो उस टाइम में जो खलीफा थे उनको लगता था कि ये हमने लड़ाई करके इतने बिलीवर्स को मार दिया है इतने बिलीवर्स मर के मर गए कि अल्लाह ने कुरान में लिखा है कि एक भी बिलीवर्स को तुम मारो तो मारोगे और तो वो तुम जहन्नम में जाओगे तो वहाँ पे तो हज़ारों लोग मरे थे बाद में वो प्रोफ ये जो खलीफा बकर और उमर के बाद में जो उस्मान आए थे उसके बाद में अली और उसके उसके बाद में बहुत सारी लड़ाई हुई थी उस्मान जो खलीफा थे उसको भी मार दिया गया था और उसका पूरा हिस्ट्री है तो वो उसके ऊपर हम एक बुक भी पब्लिश करने जा रहे हैं वो हदीस लाई एंड सिविल वार्स इसके ऊपर इन तो ये जो है वर्स वो बहुत डीप है लेकिन ये लोग उसको गलत समझते लेकिन वो क्या है कि मैसेंजर अपने जबान से ही कुरान को कहते थे जो नाजिल होता था पहले अल्लाह ने पूरा कुरान उनके दिल में डाल दिया फिर जब जिस तरह से उसको लाइफ में जो जो आए थे उसने अपने प्रूफ करके बताई जैसे जैसे लड़ाई होती थी तो अल्लाह वो वर्ष को नाजिल करता था यानी एक पूरा कुरान जो अभी हम सिक्वेंस में देख रहे ऐसे नहीं हुआ है रिविलेशन ऑर्डर अलग है तो रिविलेशन ऑर्डर के हिसाब से जो लास्ट सूरा है वो सूरा नौ है उसके बाद में एजाजा नसूल उल्फ़त जो एक सौ दस नंबर की सूरा है वो लास्ट है एक सौ चौदह पर एक सौ तेरह नंबर की सूरह है वो सूरह तोबा है नौ नंबर की तो इस तरह से पूरी कुरान नाजिल हुआ है अकॉर्डिंग टू दैट बट हर उसके बाद में आने वाली जो कम्युनिटी है उसके लिए अल्लाह ने सिक्वेंस ऑर्डर अलग बना दिया है वो प्रॉफिट ने अपने आप से पूरा कंपाइल करके गए थे कंप्लीटली तो ये जो थी अल्लाह ने क्या कहा था जब वो प्रॉफिट जल्दी जल्दी से बोलने लगते थे जब उसको वही आती थी तभी भी अल्लाह कहते कि तुम जल्दी मत करो वो हमारा जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर कुरान को नाजिल करना ये कुरान में लिखा है कि जब प्रॉफिट जल्दी जल्दी वो वही आती थी तो बोलने लगते थे उसको लगता था मैं छोड़ दूंगा तो अल्लाह कहते वो मेरी हमारी जिम्मेदारी है कि उसको तुम्हारे तरफ वो नाजिल करना तुम उसको नहीं भूलोगे एक भी वर्ड्स और एक भी अल्फाज क्योंकि वो अल्लाह का मेथड था उसको रिवील करने का तो इसलिए अल्लाह ने ये यहाँ पे कहा है कि जब बिलीवर उसके सामने जब सुनते थे वो प्रॉफिट का और उसका तो वो वो लोग उनको बिली ओबे करना था अगर जिस टाइम में वो ओबे नहीं किया वो अभी भी कुरान है वो प्रॉफिट के ऊपर ही नाजिल हुआ है ना तो अगर हम इसको फॉलो कर रहे तो मैसेंजर को ओबे करना ही हो गया ना क्योंकि उसके थ्रू ही नाजिल किया ना अल्लाह ने इसलिए अल्लाह ने ये वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया है क्योंकि अल्लाह ने कभी भी कुरान में कहीं पर भी किसी भी कम्यूनिटी को भी कहा है ना तो उसको पर्टिकुलर नाम से कहा है अगर बनी इसराइल है तो बनी इसराइल कहा है अभी जीसस है उसको कोई कम्युनिटी में से वो अकेले पैदा हुए थे ना तो उसको सन ऑफ मेरी करके कहा है उसको कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं कहा क्योंकि वो कोई किसी कम्युनिटी से अंदर से नहीं आए थे तो जैसे याकूब है उसकी कौम है तो उसको बनी इसराइल कहा है फिर जैसे बिन आदम का है इंसान को तो जिनों को कभी वो नहीं कहा कि वो आदम से बने तो अल्लाह ने हर एक उसको पर्टिकुलर नाम और उसको उसके तरह से बुलाया है तो इसमें अल्लाह जो कहता है वो परफेक्ट होता है उसमें बहुत डीप मीनिंग होता है दे स्वेयर बाय गॉड 53 डेट इफ यू कमांडेड देम टू मोबालाइज दे वुड मोबालाइज से डू नॉट स्वेयर ओबीडियंस इज द ऑब्लीगेशन गोड इज फुल्ली कॉग्निजेंट ऑफ एवरीथिंग यू डू से ओबे गॉड एंड ओबे द मैसेंजर इफ दे रिफ्यूज

जो मैसेंजर का ड्यूटी तो सिर्फ डिलीवर करना है कि तुमको पकड़ के ले जाने का नहीं है कि तुम आ जाओ अल्लाह ने तो अगर वो करना ही था तो ये दुनिया कायम ही क्यों करते थे वो तो अल्लाह की रहमत है कि हमको सेकंड चांस दिया पहले जो हमने घमंड किया था उसके बाद में सेकंड चांस के बाद भी अल्लाह ने सारी निशानियां बताई कि ये देखो तो पूरी कुदरत किस तरह से बनी है इसके बावजूद भी हम नहीं समझते तो अल्लाह ने मैसेंजर भी दिया और उसके बाद साथ में किताब भी दी लेकिन कोई बलजबरी नहीं है इसको कि तुमको ये करना है ये तो अल्लाह की रहमत है कि हमको फिर से गाइडेंस दे रहा है बाकी अगर तुम देखो तो ये सिर्फ हम ऐसे ही जिंदा हमको बनाया वही सबसे बड़ा मोजिजा है ये पूरी कायनात तो एक ऐसा पृथ्वी का घूमना ये सब अगर नज़र से करो तो हमको साबित कर देता है कि अल्लाह एक है और उसकी इबादत करना है लेकिन फिर भी अल्लाह को मालूम था कि कितने ऐसे इंसान है जिसको हिदायत की ज़रूरत है वो लोग नहीं समझ पाएंगे तो अल्लाह ने फिर से अपने मैसेंजर के थ्रू किताब से उसको गाइडेंस दिया वो कोई बलजबरी तुमको नहीं करना है उसका वह उसका सिर्फ काम था मैसेन्जर का कि मैसेज को डिलीवर कर देना समझना नहीं समझना वो इंसान के ऊपर है वही उनकी टेस्ट है कि तुम अभी ये सेकंड चांस में भी अल्लाह को पहचान पा रहे हो कि नहीं कि हाँ इतना बड़ा मार्ग क्योंकि उस टाइम में जब फर्स्ट टाइम जब सब एक ही थे सब रोई थे तो उस टाइम में जब टेस्ट हुई थी तो हमने शैतान एक को एक्सेप्ट कर लिया था फिफ्टी परसेंट और फिफ्टी परसेंट ऐसा सोच रहे थे कि अल्लाह भी कर सकता है तो उस टाइम में ये सब यूनिवर्स और सब नहीं बना था तो अल्लाह ने यह सब क्यों बनाया कि उसकी पहचान के लिए कि तुम अभी और मुझे पहचानो हो क्या और इसको पहचानने के बाद तुम देखो कि कौन है शैतान है या मैं हूं तो अल्लाह जो भी करता है उसमें बहुत डीप मीनिंग और विजडम होता है तो उसने ऐसे ही नहीं कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं माना और ऐसे ही फरिश्तों ने तो कहा था इन सबको आग में डाल दो जो शैतान को फॉलो कर रहे हो लेकिन अल्लाह ने क्या कहा कि नहीं मुझे जो मालूम है वो तुम नहीं जानते कुरान में आया है ना सूर्य बकरा में आता है कि जब फरिश्ते तो क्या बोलते हैं तुम इनको सबको वापस तुम दुनिया में और अर्थ में लोगे तो ये लोग खून खराब करेंगे खलीफा तुम तो उसको बनाओगे तो शैतान को खलीफा बनाया ना यहाँ पे तो अल्लाह ने बताया कि जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते कि ये सब चीज बनाने के बाद तुम अभी अल्लाह को पहचानो कि देखो अल्लाह क्या है वो किस तरह से बनाता है इतनी कायनात और ये सब कुछ अभी मैंने वीडियो भी देखा था एक उसमें जो वाइट सेल है ना वो बैक्टीरिया को कैसे खाते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में तो वो छोटा सा दो डेढ़ मिनट का क्लिप था उसमें वाइट ब्लड सेल जाके पूरा बैक्टीरिया को जो भी चीज़ बाहर से आती है ना उसको पूरा अपने अंदर ले लेते अपने पेट के अंदर खा लेते उसको और फिर उसके अंदर ही वो बैक्टीरिया को पूरा टर्मिनेट कर देते हैं उसके बाद में उसको फेंक देते तो वो फिर डिसहार्म हो जाते बॉडी को कोई हार्म नहीं करता लेकिन जब वो बैक्टीरिया आता है तो वो एक प्रोटीन रिलीज करता है वो प्रोटीन रिलीज करता है वो प्रोटीन से वो व्हाइट सेल को मालूम पड़ता है कि बैक्टीरिया का लोकेशन कहाँ पे बॉडी में कौन सी जगह पे वो एंटर हुआ है तो वो तुम देखो अगर वो माइक्रोस्कोप के अंदर वो किस तरह से वो काम करते तो हमको देख के लगेगा कि इतना बारीकाई से अल्लाह ने सब कुछ बनाया है इतनी छोटी सी छोटी चीज़ भी कंट्रोलेबल है तो ये अल्लाह की बड़ाई और रहमत दिखाती है तो हमें वो देखना चाहिए और वो समझना चाहिए कि अल्लाह एक ही और ये हमारा मौका है तो अल्लाह इतना रहमान है कि उस टाइम में भी अगर वो चाहता तो जिसने वो तो एक छोटा सा कण के बराबर भी नहीं थी जो कम्युनिटी अल्लाह को नहीं एक्सेप्ट की थी और कण के बराबर भी नहीं थी तो भी अल्लाह ने रहमत करके दूसरा चांस दिया दूसरा चांस देने के बाद भी यहाँ पे मैसेंजर भी भेजा उसके साथ में भी बताया कि अल्लाह क्या चाहता है और वो क्या बना तुमको देखना चाहता है फिर भी अगर हम ये करेंगे तो वो अल्लाह बोलता है कि मैसेजर का ड्यूटी तो सिर्फ मैसेज को डिलीवर करना है फिफ्टी फाइव गॉड प्रोमिस दोज अमोंग यू वो बिलीव एंड लीड अ राइट लाइफ देट ही विल मेक देम सोवेर ऑन अर्थ एस ही डिट फॉर दोज बिफोर देम एंड विल एस्टाब्लिश फॉर देम द रिलीजन ही हैज चूजन फॉर देम एंड विल सब्सिट्यूट पीस एंड सिक्योरिटी फॉर देम इन प्लेस ऑफ फियर ऑल दिस बिकॉज दे वर्शिप ये लोन दे नेवर सेटअप एनी आइडल बिसाइड मी दोज वो डिसबिलीव आफ्टर दिस ब्यूटीफुल इसमें कहा है अल्लाह ने कहा है कि जो अल्लाह के ऊपर बिलीव किया राइटियस लाइफ जिसने गुजारी तो अल्लाह को अल्लाह को वादा है कि उसको में देगा। कि क्या देगा उसको यानी तुमको अर्थ में खलीफा बनाएगा तुमको पावर देगा लीडरशिप देगा और तुमको इस्टेब्लिश करेगा तुम्हारे रिलीजन को और तुमको चूज करेगा ही एज चूजन फॉर देम उसको सब आ, जो इसमें से जो सारे लोगों में से तुमको पसंद करेगा और तुम्हारे ऊपर पीस और सिक्योरिटी डालेगा पीस यानी तुमको सुकून होगा और सिक्योरिटी यानी तुमको सेफ महसूस होगा अभी देखो पहले में हम लोग कहाँ क्या काम करते थे दुबाल में उसके पहले तो और भी मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी कोई पीस नहीं थी तो जैसे जैसे टाइम जाता गया तो ऐसे ऐसे अल्लाह ने जैसे हम अल्लाह की तरफ ज़्यादा ईमान और उससे जाते रहे तो अल्लाह ने धीरे धीरे क्या कहा कर रहे पीस और सिक्योरिटी दे रहे हमको पहले हम को किसी और के अंदर गुलामी में काम करते थे फिर धीरे धीरे क्या किया अल्लाह ने हमको इंडिपेंडेंट बनाया फिर धीरे से बिजनेस स्टार्ट अप किया फिर हमको धीरे धीरे एक लीडर बनाया इन अगर हम और अल्लाह की इबादत करेंगे तो अल्लाह का वादा है कि वो हमें अच्छी पोजिशन में रखेगा और सिक्योरिटी और पीस देगा और फियर तुम्हारे अंदर से निकाल देगा इन द प्लेस ऑफ फियर तुमको डर नहीं लगेगा कोई भी चीज का ऑल दिस बिकॉज ऑफ देख अल्लाह को तुम इबादत करते थे सिर्फ और इसके साथ में दो यू डिसबिलीव इसके बाद भी जो किसी ने डिसबिलीव किया तो वो सबसे बड़ा गुमरा हुआ फॉर्मूला फॉर सक्सेस फिफ्टी सिक्स यू शेल ऑब्जर्व द कॉन्टेक्ट प्रेयर एंड गिव दिगेटरी चेरिटी ओबे द मैसेंजर्स डेट यू मेंटेंड मर्सी तुमको नमाज वक्त पे अदा करनी है वह कि मू सलाता वह तू जका वह त्यू रसूल तरह और जो जो मैसेजर ने कहा है उस टाइम में ये वर्ष कही गई थी कि दे तुम उसके बाद में अल्लाह की रहमत को पा सको लेकिन ये बात देखो तुमने अल्लाह का वादा है गोड प्रोमिस किंग एंड क्वीन्स ऑन अर्थ यानी कि वह तुम्हे खलीफा बनाएगा तुमको सुकून देगा और तुमको सिक्योरिटी देगा क्योंकि वो अल्लाह की अल्लाह की जो याद करेगा तो अल्लाह के डोमिनियन में हो जाएगा फिर उसको कोई स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है टेस्ट में से वो पास हो गया और टेस्ट में से पास होने का मतलब कि हमको कोई भी चीज़ में जो हम रिएक्ट करते हैं जो हमारे सामने टेस्ट आती है तो हमको उसमें सबर और पेशेंस और धीरेज रखनी है हमको रिएक्ट ऐसा नहीं करना एक्सट्रीमली कि क्या हो गया ये स्ट्रेस नहीं डालना कंप्लेन नहीं करनी फियर नहीं करना या फिर नेगेटिव थाट्स नहीं डालना सब में उसको अल्लाह की मर्जी और अल्लाह को सबमिट करना है जैसे हम अल्लाह को सबमिट जितने ज्यादा करते जाएंगे उसी तरह से हम मेच्योर होते जाएंगे तो अल्लाह फिर हमारे सारे रास्ते हमारे लिए खोल देगा हाँ लेकिन अगर तुम अल्लाह ने रूल ही ऐसा बनाया यूनिवर्स का कि वो किसी के दरमियान में इनजस्टिस नहीं करता हालांकि वो डिसबिलीवर हो या बिलीवर हो अल्लाह का रो जो है वो सबके लिए क्या है सेम है वो काला है धोला है गोरा है काला है अगर तुम एक ही चीज को सोच रहे हो कॉन्स्टेंटली तो क्या होगा वो चीज़ उसको अल्लाह दे देगा अल्लाह ने कुरान में क्या किया कि तुम अगर दुनिया की तलब कर रहे हो उसको प्रायोरिटी दे रहे हो तो अल्लाह तुमको इसी यहां दुनिया में ही सब कुछ दे, दे देगा ये अल्लाह का रूल है यानी कि वो इंसान सोचता है कि मुझे पैसा बरसा पैसा पैसा और गाड़ी बंगला ये सब भी करना है तो अल्लाह उसको वो दे, दे देगा सब कुछ वो अगर वो उसको डिटर्मिनेशन के साथ में उसको काम करेगा तो यूनिवर्स का लो है कि वो हो चीज को अट्रैक्ट करके उसको मिल जाएगी लेकिन अगर हम अल्लाह की इबादत अल्लाह को याद करना और आखिरत को पसंद करेंगे तो क्या होगा कि हमारी टेस्ट है तो अल्लाह हमें जितना जरूरत है ना उसके हिसाब से मेजर के साथ में देगा कि वो चीज़ अगर मान लो कि मैं मेचोर हो गया एक लिमिट से तो अल्लाह ने मुझे सौ करोड़ दिए ठीक है थीके? तो अल्लाह को मालूम है कि ये सौ करोड़ आने के बाद में मेरा जो ईमान है या मैं कोई चीज़ में बुरा नहीं करूंगा लेकिन दूसरी चीज़ भी ये है कि सौ करोड़ आने के बाद में क्या मैं उसको संभाल सकता हूं वो भी मेरे में काबिलियत है कि नहीं है हाँ ये काबिलियत आ गई कि मैं मेच्योर हो गया हूं कि मैं अभी गलत काम नहीं करूंगा लेकिन वो सौ करोड़ आने के बाद में कितनी तकलीफ आएगी वो मालूम है कितने लोगों की बुरी नजर चढ़ेगी सिक्योरिटी कितनी बढ़ानी पड़ेगी हमारा पीस खलास हो जाएगा हमको फियर लगेगा कि अभी क्या करूं इसका पैसे का क्या करूं तो वो पैसे को संभालने की भी कैपेबिलिटी हमारे पास जब आ जाएगी और हम मेच्योर भी हो जाएंगे कि वो पैसे आने के बाद में हम घमन नहीं करेंगे हम नीचे रह के रहेंगे और उसको अल्लाह के राह में खर्च करेंगे तो अल्लाह उसको जरिया खोल ही देगा अल्लाह को कोई रोकने का वो नहीं है अगर तुम उसके काबिल हो गए हो तो काबिल होने का रास्ता क्या है कि तुम अल्लाह को याद करते जाओ उसको उसने जो कहा कुरान में उसको कॉन्स्टेंटली फॉलो करो अल्लाह का जिक्र करो और वही चीज़ देखो कि अल्लाह है कोई सबमिट करो और हैप्पी रहो तो धीरे धीरे क्या होगा सारी चीजें खुल जाएगी इनशाला समझ में ये सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ है जो इंसान को समझना है इंसान को पैसे के पीछे भागना है तो वो मिलेगा लेकिन वो मिलने के बाद सुकून नहीं मिलेगा वो तुमको और स्ट्रेस पैदा करेगा लेकिन तुम जो एट्रैक्ट करोगे वो चीज़ तो अल्लाह तुमको देगा है। वो यूनिवर्स का रो है फिर वो किसी में चेंज नहीं करेगा अगर तुम एथलेटिक्स बनना चाहते हो उसके लिए पूरे दिन रात कोशिश करते हो तो अल्लाह तुमको वो चीज़ में आगे लेके जाएगा अगर तुम उसके हिसाब से मेहनत कर रहे हो तो यूनिवर्स का लो है वो चीज़ को तुमको सपोर्ट करेगी वो किसी के बीच में भेदभाव नहीं करती अल्लाह ने रूल ही ऐसा बनाया अल्लाह किसी को रूल ऐसा क्यों बनाएगा कि एक को मेल्प करेगा एक को नहीं हेल्प करेगा इट डजेंट मैटर और कोई गरीब है अमीर है इट मैटर अमीर है तो उसका टेस्ट उतना ही ज्यादा है कोई अल्लाह ने किसी के साथ में वो नहीं किया है इनजस्टिस नहीं किया है वो तो इंसान समझ रहा है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है मैं गरीब पैदा हुआ वो कंप्लेन कर रहा है यानी मतलब वो खुद अपने आप ही जिम्मेदार है वो टेस्ट है कि उसका मतलब है कि उसके अंदर घमंड होता ही नहीं है जो गरीब होता है वो तो ऑलरेडी उसको वो टेस्ट तो पास ही हो गया कंप्लेन करना बंद कर देना है और जो ऊपर का जो पार्ट है जो अमीर वाला है वो लोगों को घमंड होता है वो अपने नीचे वालों के साथ कैसे बिहेव करते हैं तो हम वो जितना नीचे वालों के साथ उससे भी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और अपने आप को ग्राउंड में रखते हैं, तो वो भी टेस्ट में पास हो जाते लेकिन वो बहुत हार्ड है तो हरेक को अल्लाह ने स के साथ में दिया वो अपना नजरिया है कि वो किस नजरिए से उसको देखता है बाकी अल्लाह ने किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं किया है किसी को आंख नहीं दी अल्लाह ने तो उसका टेस्ट और भी इजी है दुनिया में तो वो मालूम है कि वो आंख लेने के बाद शायद और गुनेगार हो जाता था तो अल्लाह ने उसको वही इसीलिए नहीं दिया क्योंकि वो उसके साथ में शायद चांसेस है कि वो अल्लाह को याद कर ले उसका एक तो चांस है शायद इसीलिए अल्लाह ने वो नहीं दिया अगर वो उसको आंख दे देता तो उसको जीरो चांस था कि वो कभी भी ईमान ला सकता था तो वो अल्लाह को मालूम है कि कौन क्या किसकी कौन सी जरूरत है क्या किसकी वो एक तो आखिरत में ये तो जो दुनिया है वो तो एक एक सेकंड भी टाइम नहीं है कंपेरेटिवली मिली सेकेंड है जो कंपेरेटिवली आखिरत और उसके सामने तो यहाँ का पेन और वो डजेंट मैटर डो नॉट थिंक डिसबिलीव विल एवर गेट अवे विद इट देर फाइनल अबोट इज हेल्ड वॉट मिजरेबल डेस्टिनी यानी तुम ऐसा नहीं सोचो कि अल्लाह को डिसबिलीव किया है वो यहाँ से भाग जाएंगे वो कभी भी अल्लाह से भाग नहीं सकते उसका फाइनल जो डेस्टिनेशन है वो है लिए। ओ यू बिलीव परमिशन मस्ट बी रिक्वेस्टेड बाई य चिल्ड्रन वो हैव नॉट अटेन्ड प्रॉबर्टी बिफोर एंटरिंग यूर रूम दिस इज टू बी डन इन इन थ्री इंस्ट्रेंसिस बिफोर द डाउन पेयर

Before them have asked permission before entering. God does clarify his revelation for you. God is omniscient, most wise. And he was of Alim or Hakim. The elderly woman who do not expect to get married commit nothing wrong by relaxing their dress code provided they do not reveal too much of their bodies. To maintain the modesty is the better for them. God is the hearer and knower. Be sure you meal is lawful. The blind is not to be blamed. The cripple is not to be blamed, nor is the handicap to be blamed, just as you are not to be blamed for eating at your homes, or the homes of your fathers, or the homes of your mothers, or the homes of your brothers, or homes of your sisters, or the homes of your father's brothers, or the homes of your father's sisters, or the homes of your mother's brother, or the homes of your mother's sister, or the homes that belong to you, and you possess the key, or the homes of your friends. You commit nothing wrong by eating together or as an individual. When when you you enter any home, you shall greet each other, a greeting from God that is blessed and good. God does explain the revelation for you that you may understand. यानी yani कि जहाँ भी तुम खाना खाने जाओ तो वो हलाल होना चाहिए तो ये अल्लाह ने बताया कि तुम आराम से खाना खा सकते हो यानी yani जो रिलेशन के अंदर और तुम्हारे फ्रेंड सर्कल के अंदर द टू believers आर दोज who बिलीव इन गॉड एंड इज Messenger, एंड वेन दे आर With him in a community meeting, they do not leave him without permission. Those who ask permission are the ones who do believe in God and His messenger. If they ask you permission in order to tend to some of their affairs, you may grant permission to whomever you wish and ask God to forgive them. God is forgiving, most merciful. Do not treat the messenger's request as you treat each other's request. God is fully aware of those among you who sneak away. यूजिंग फिल्म एक्सक्यूजिसट दम बी वेयर दो जो डिस ओबेज ऑर्डर फॉर अ डिजास्टर में स्ट्राइक देम और शिविर रेट्रीब्यूशन यानी कि जो मैसेंजर के साथ में तुम जिस तरह से तुम नॉर्मल लोगों के साथ बात करते हो ऐसे उनके साथ में मत करो क्योंकि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है और अल्लाह ने उसको एक ज्यादा तुम के ऊपर एक पोजिशन दिए क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है क्योंकि इट्स नॉट ईजी जॉब फॉर द मैसेंजर इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ द कुरान उसके ऊपर जो एक इंसान नॉर्मल इंसान से हजारों लाखों गुनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि उसको वो मैसेज को पूरी जगह पे डिलीवर करना है कितनी तकलीफों का सामना करना है और उसको कोई स्पेशलिटी तो कोई वो तो नहीं दिया है जैसे प्रॉफिट मोहम्मद को तो कोई दूसरा मेरे दिया नहीं था कुरान के सिवा ना ही उसको कोई और ये था जैसे जीसस को तो दूसरे साथ में मेरे दिए थे मूसा नबी को भी साथ में निशानियाँ दी थी कि उसका काम थोड़ा आसान हो जाए तो अल्लाह ने कहता कि तुम उनके साथ जब भी कोई जाओ तो परमिशन लो आने के टाइम और जाने के टाइम अगर अल्लाह कहते हैं देखो ये जो चीज़ें हर एक जगह पे लागू होती है अगर तुम अल्लाह को ओबे नहीं करते तो क्या होता है तुम्हारे ऊपर डिजास्टर आता है और यह सेव रेट्रीब्यूशन आता है कि तुम वापस सही रास्ते पे आ जाओ वो तुमको समझने के लिए होता है अगर तुम नहीं समझे और कुफर करते रहे तो फिर अल्लाह छोड़ देगा फिर तुम्हें कोई चीज समझ में नहीं आएगी निशा और ना ही कोई निशानी समझ में आएगी

मू मातुम अलह मा युम ही फुल्ली नोज एवरी कंडीशन यू मे बी इन जो भी हम कोई भी कंडीशन में तकलीफ में या आसानी में सब अल्लाह को मालूम है यानी हमको कोई एक्स्ट्रा वो करने की रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है अल्लाह को मालूम ही है द डे यू आर रिटर्न टू हिम और जब तुम उसके साथ में वापिस जाओगे और ही विल इन्फॉर्म देम ऑफ एवरीथिंग थिंग दे आर डन तभी तो उसको वो अगर तो तुमने उसको नहीं पहचाना तो सब चीज वो तुम्हें उस टाइम में बता देगा वह बेकुल्ले सईन अलीम सथीन अलीम यानी अल्लाह को हर एक चीज का इलम है फुल्ली अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स तो अल्लाह किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करेगा अल्लाह को सब मालूम है तुम्हारी सिचुएशन के बारे में भी और सब कुछ तो हमें सबर करनी है पेशेंस करनी है रिएक्ट नहीं करना कोई भी चीज हमारे सामने होती है तो वो हमारा सिर्फ यही देखा जाता है कि हम कैसे रिएक्ट करते हैं तो वो रिएक्शन ही हमारा अच्छा है अगर हम पॉजिटिव फीलिंग है तो वो इसका मतलब है कि अल्लाह के ऊपर हमें होप है और अल्लाह को हमने कम्प्लीटली सबमिट किया यानी कोई भी तकलीफ हो तो हम सीधा चिल्लाने लगते या वो उस टाइम में हमें कंट्रोल करना है नहीं चिल्लाना है ना ही गुस्सा करना है और ना ही ऐसा करना है क्यों हो गया ऐसा क्या हो गया ऐसा ये सब रिएक्शन नहीं करना है पॉजिटिव थाट्स करना है और पॉजिटिव से आगे जाना है तो वही हो गया कि हमने कोई कंप्लेन नहीं की अल्लाह और हमने सबमिट कर दिया बस ये हो गया तो कोई चीज़ हमारे सामने ऐसी आएगी नहीं तो हम हमारा रिएक्शन स्मूथ हो जाएगा तो हम सारी टेस्ट में पास ही होते जाएंगे वो टेस्ट ही होता है देखो सेम्यूल को लगा था वो टेस्ट ही था ना उस टाइम में अगर हमने रिएक्शन कम किया होता तो हम और जल्दी से पास हो जाते टेस्ट तो, तो उस टाइम बाद, बाद में उसको कितना जल्दी अच्छा हो गया लेकिन उस टाइम में जो हमने रिएक्शन दिया ना वहां पर हमारा टेस्ट में पास और फेल ये लिखा था तो उस टाइम में फेल हो गया हम तो हमको कोशिश करनी है कि हमको पेशेंस और सब्र करना है कोई भी सिचुएशन में अल्लाह उसको सही कर देगा अकी मुसलात